तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। अब देखो, ये वीडियो यहाँ पे आज से 2 दिन पहले ही आ जाती, लेकिन दिवाली के पटाखों की वजह से ये वीडियो मैंने बहुत ट्राई किया बट रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही थी। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, इवन अभी भी हो ही रहा है थोड़ा बहुत, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फिजिको केमिकल, तो यहाँ पे देखो, ये हमारी जो भी हमारी दवाएं होती हैं या फिर जो भी कह सकते हो हमारे मैटर्स होते हैं, तो उनकी यहाँ पे कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग की यूनिट 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल हो गया है, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो, यहाँ पे आप लोग को 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले आप लोग को रिफ्रैक्शन समझना होगा। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास 2 मीडियम है, ठीक है। ऊपर मान लो हमारे पास जो मीडियम है वो हमारा एयर हो गया, ठीक है, या फिर मान लो वैक्यूम वगैरह हो गया, और नीचे हमारा जो मीडियम है वो यहाँ पे मान लो थोड़ा सा ग्लास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि जो हमारा एयर है, ठीक है, वहाँ से हमारी एक लाइट रे आ रही है, यानी कि मान लो हमारी लाइट की कोई रे हमारी एयर वाले मीडियम से आ रही है, ठीक है। अब मान लो अगर जो हमारा मीडियम है वो हमारा दोनों तरफ एयर ही होता, यानी मीडियम में चेंज ना होता, तो जो हमारी लाइट रे है वो जिस तरीके से आ रही थी बिल्कुल उसी तरीके से निकल जाती, यानी हमारी जो लाइट रे है वो हमारी कुछ इस तरीके से निकल जाती। लेकिन ये कब होता? ये तब होता जब हमारा मीडियम चेंज ना होता। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे मीडियम कर दिया चेंज, यानी ऊपर तो हमारा मीडियम था एयर, इस लाइन के ऊपर एयर है, लेकिन इस लाइन के नीचे मीडियम हमारा हो गया वाटर, या फिर आप लोग जो भी ग्लास वगैरह मान सकते हो, हम लोग वाटर मान लेते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से ये जो लाइट रे थी ये हमारी कुछ इस तरीके से ना जाके थोड़ी सी बेंड हो गई, समझ लो। मतलब यहाँ पे देखो हुआ क्या, एक्चुअल में लाइट रे हमारी जो है इस तरीके से आई और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेंड हो गई। और बेंड किस तरफ हुई? बेंड हुई हमारी यहाँ पे नॉर्मल की तरफ। अब ये नॉर्मल क्या है, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन आप लोग को दिख रही है ये होती है हमारी नॉर्मल। तो यहाँ पे इसी फिनोमेना को, यानी कि जब हमारी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो हमारी लाइट रे हमारी थोड़ी सी बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, कन्फ्यूज मत होना। एक होता है हमारा रिफ्रैक्शन और एक होता है हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में हमारा ये होता है कि जो हमारी लाइट रे होती है वो जिस तरीके से आती है उसी तरीके से वापस भी चली जाती है, ये होता है रिफ्लेक्शन। जबकि ये होता है रिफ्रैक्शन जहाँ पे लाइट रे हमारी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जो ऊपर वाला मीडियम है जब हमारा रेयरर होता है और नीचे वाला थोड़ा सा डेंसर होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब नीचे का मीडियम ऊपर वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है तब हमारी लाइट रे थोड़ी सी बेंड हो जाती है, वो भी किधर, नॉर्मल की तरफ। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, जैसे एयर के कंपेयर में वाटर हमारा ज़्यादा डेंस होता है ना, आप लोगों को इतना तो पता ही है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारी लाइट रे बेंड हो जाती है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ और होती है, जो हमारा इंसिडेंट, अच्छा यहाँ पे देखो जो रे हमारी यहाँ पे आ रही होती है इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे हमारी जा रही होती है इस रे को हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखो, जो हमारा इंसिडेंट रे, ध्यान से सुनना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इस एंगल को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आई, या फिर यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे हमारे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, यानी आर हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल समझना, ये जो एंगल है ये हमारा नॉर्मल के साथ बनता है, हमारा यहाँ पे इस चीज़ के साथ नहीं बनता, ठीक है। हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे चलो रिफ्रैक्शन तो आप लोग समझ गए, अब हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मतलब है कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में या फिर एयर में और उसके बाद जिस सब्सटेंस में हम लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमें बताना है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो सिंपल सी बात है आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ऊपर आप लोग को वैल्यू रखनी है स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ
लाइट इन किसमें, एयर या फिर वैक्यूम में, ठीक है। देखो ऊपर वाला बिल्कुल फिक्स है, यानी ऊपर हमारा वैक्यूम ही रहेगा, और नीचे आप लोगों को जिस सब्सटेंस के बारे में आप लोगों को पता करना है, यानी जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, नीचे आप लोगों को लाइट की स्पीड उस मीडियम में, जैसे मान लो हम लोग वाटर की बात करें तो नीचे हम लोग क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो बस ये होता है हमारा सिंपल सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अब देखो मान लो अगर आप लोग को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो यहाँ पे आप लोग नीचे रख दोगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो ऊपर वाला हमारा फिक्स है। अच्छा एक चीज़ और समझना, देखो ये होता है हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा क्या होता है, ऊपर हमारा सिर्फ फिक्स होता है, ऊपर हमारा या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा, और नीचे हम लोग जिस भी मीडियम में निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी जिस भी सब्सटेंस का या फिर जिस भी मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को रखेंगे। यानी कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ऊपर एयर में है उसको हम लोगों ने ऊपर रखा, और नीचे हमारी स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों ने नीचे रखा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वही हो जाती है हमारे यहाँ पे सिंपल सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, यही हमारी, इसी को हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस फिगर में भी अगर देखो तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा वैक्यूम हो गया, ये हमारा जो भी सब्सटेंस हो गया जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और ये हमारा रिफ्रैक्शन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करें तो जैसे कि हमारा एन हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो एन हमारा हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये तो हमारा एक तरीका हो गया, एक तरीका हमारा और भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, वो हो गया हमारे यहाँ पे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ध्यान से सुनना, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे एक स्नेल सर थे, उन्होंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, साइन ऑफ आई, ठीक है, यानी ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन आई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे हम लोग क्या ले लेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद भी जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती ही नहीं है। देखो क्यों नहीं होती है, देखो सिंपल सी बात है भाई, इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, अब वैक्यूम ले रहे हैं और नीचे भी तो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी है तो स्पीड ऑफ लाइट ही, तो दोनों की वैल्यू ऊपर भी मीटर पर सेकंड में होगी, नीचे भी मीटर पर सेकंड में होगी, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट निकल के नहीं आएगी, ठीक है, तो ये यूनिट लेस हो जाता है। और यहाँ पे इट इज यूजुअली डिटरमाइंड यूजिंग अ बेस रिफ्रैक्टोमीटर। और यहाँ पे देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट आता है अब्बेस रिफ्रैक्टोमीटर, वैसे और भी बहुत सारे होते हैं बट ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। अच्छा यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोग और समझना, देखो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की वो हम लोगों ने यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में करी है। देखो एब्सोल्यूट में होता क्या है, ऊपर हमारा मीडियम फिक्स हो जाता है, यानी ऊपर हमारा जो मीडियम है वो या तो एयर या तो वैक्यूम, ठीक है, एयर वैक्यूम मतलब जनरली बराबर ही होते हैं, वैसे वैक्यूम थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन स्पेस होता है, ठीक है। तो एक हमारा टर्म और होता है यहाँ पे, वैसे आप लोग के सिलेबस में नहीं है बट आप लोग को पता होना चाहिए, एक होता है हमारे यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक क्या होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो इसमें डिफरेंस बस एक छोटा सा हो जाता है कि इसमें हमारा ऊपर का मीडियम भी चेंज हो जाता है, यानी जैसे कि यहाँ पे मान लो हमारी जो लाइट रे थी वो हमारे एयर से ग्लास में जा रही थी। अच्छा मान लो अगर सिस्टम हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि जो हमारा ऊपर वाला मीडियम है वो मान लो हमारा वाटर हो जाए और मान लो नीचे वाला मीडियम हमारा ग्लास हो जाए, यानी अगर मान लो हमारी जो लाइट रे है अगर वो वाटर से ग्लास में आ रही हो, ठीक है, तो अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता लगाएंगे भाई। तो अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें भी सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोगों को ऊपर जो मीडियम है उसमें आप लोगों को स्पीड ऑफ लाइट रख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन हमारा ग्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, यानी एक दूसरे किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम से रिलेट करके निकाल रहे हैं, इसीलिए हो जाता है रिलेटिव। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में हमारा ऊपर फिक्स हो जाता है, नीचे हमारा कोई मीडियम चेंज होता रहता है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और बाकी हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो
इट इज़ यूज्ड फॉर सब्सटेंस आइडेंटिफिकेशन। देखो सिंपल सी बात है कि हर सब्सटेंस का यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उस वैल्यू के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस कौन सा है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हमारा जो सब्सटेंस है वो कितना प्योर है तो उस हिसाब से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाया, उसके बाद हम लोगों ने सब्सटेंस को चेक किया, अगर हमारी वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो यानी उसकी प्योरिटी थोड़ी सी गड़बड़ है। और उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। देखो सिंपल सी बात है कि कंसेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा हमारी जो लाइट की बेंडिंग है वो उतना ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो ये डेंसिटी पे डिपेंड करती है, यानी डेंसिटी हमारे नीचे वाले मीडियम की जितना ज़्यादा होगी हमारी बेंडिंग उतना ज़्यादा होगी, तो हमारी कंसेंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए भी इसका यूज होता है और इसको भी हमें पढ़ना है। अच्छा देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक मतलब एक थोड़ा सा फील लो कि यहाँ पे देखो लाइट रे बेंड आखिर हो क्यों रही है। देखो एक्चुअल में एयर हमारा क्या है भाई, एयर के अंदर जैसे लाइट को ना कह सकते हो कि बहुत ही कम ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, यानी रुकावट बहुत कम मिल रही है, तो हमारी लाइट रे बिल्कुल आराम से सीधी निकल जा रही है। लेकिन वाटर में क्या हो रहा है, वाटर हमारा काफ़ी डेंस है तो इसमें लाइट को मतलब एक कह सकते हो काफ़ी रुकावट मिल रही है, जिसकी वजह से लाइट हमारी थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब ये जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, जैसे मान लो वाटर है तो वाटर में थोड़ी बेंड हुई, अगर वहीं ग्लास होता तो ये लाइट रे हमारी और ज़्यादा बेंड हो जाती। ठीक है, यानी जितना डेंसर मीडियम होगा लाइट रे हमारी उतनी ज़्यादा बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरह। तो ये होता है हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि होता है हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन। तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जैसे हमारे घर में जो भी लाइट वगैरह के सोर्स होते हैं, जैसे हमारे घरों में लाइट का सोर्स क्या होता है, या तो जैसे बल्ब वगैरह होते हैं, तो आपको पता है जैसे जो बल्ब होता है जब वो जलता है तो क्या होता है, हमारे पूरे कमरे में यहाँ पे जो है लाइट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बल्ब वगैरह की लाइटिंग्स होती हैं वो क्या होती है, वो यहाँ पे चारों तरफ फैलती हैं। जैसे जब हमारा एक बल्ब जलता है तो उसकी लाइट हमारी चारों दिशाओं में कह सकते हो कि फैल जाती है, है ना। तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, यानी ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, यानी जो लाइट है वो हमारी कह सकते हो हर एंगल में होती है। ठीक है, हर डायरेक्शन में जाती है। तो अब होता क्या है कि जब हमारी इस ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग यहाँ पे हमारे एक पास एक प्रिज्म होता है निकोल प्रिज्म, तो जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को हमारे निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो ये ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, हमारी कन्वर्ट हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, तो देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि ये जो लाइट हमारी चारों डायरेक्शन में मतलब हर डायरेक्शन में फैल रही थी, अब ये लाइट हमारी किसी एक डायरेक्शन में ही फैलती है। यानी निकोल प्रिज्म क्या करता है कि हमारी लाइट की जो डायरेक्शन होती है उसको किसी एक डायरेक्शन में ही मोड़ देता है, और इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बचपन में आप लोगों ने लेजर लाइट वगैरह से बहुत ज़्यादा खेला होगा। लेजर लाइट क्या होती है, देखो जो लेजर लाइट होती है उसकी लाइटिंग क्या होती है, हमारे सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होती है। तो ये समझो कि निकोल प्रिज्म हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमारे लाइट को कन्वर्ट कर देता है, जैसे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट है उसको कन्वर्ट कर दिया प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जब हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, जब हम लोग इसको यहाँ पे किसी सब्सटेंस या सॉल्यूशन यानी जिसके बारे में हमें पता करना है, तो जब हम लोग यहाँ पे इस सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना के ठीक है और इस लाइट को इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, तो यहाँ पे देखो तीन कंडीशन होती है। यानी हम लोगों ने जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी अपने सॉल्यूशन से पास किया तो यहाँ पे तीन चीज़ें देखने को मिलती है, या तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, या तो ये सॉल्यूशन हमारी लाइट को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देगा, ठीक है, या तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देगा, और या तो क्या होगा कि जो हमारी लाइट है वो यहाँ पे सॉल्यूशन से बिना किसी भी रोटेशन हुए पास मतलब निकल जाएगी, बिना जो है डेविएट हुए पास हो जाएगी, यानी सीधी निकल जाएगी, यानी सॉल्यूशन क्या करेगा इस लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं टर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो तीन कंडीशन देखने को मिली, कौन कौन सी, पहली या तो हमारी लाइट जो है क्लॉकवाइज, देखो ध्यान से समझना, या तो हमारी जो लाइट है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हुई, या तो हमारी लाइट जो है कैसे टर्न हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और या तो हमारी क्या हुई, लाइट जो है अनडेविएटेड पास हो गई, ठीक है, यानी नो रोटेशन। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है अगर वो हमारी सॉल्यूशन से बिना किसी डायरेक्शन में पास हुए निकल गई, यानी नो रोटेशन उसके अंदर देखने को मिला, तो जो हमारा सॉल्यूशन है तो हम लोग उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी यहाँ पे जो है लाइट के लिए यहाँ पे ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, और अगर हमारे सॉल्यूशन में ठीक है लाइट को यहाँ पे या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इसने रोटेट कर दिया तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो हो जाता है हमारा यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो जाता है,
ऑप्टिकली एक्टिव। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना हुआ क्या। सबसे पहले हम लोगों ने एक ऑर्डिनरी लाइट ली, ऑर्डिनरी लाइट को हम लोगों ने पास किया निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म ने क्या किया, इस लाइट को हमारा कन्वर्ट कर दिया प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। और जब हम लोगों ने इस वाली लाइट को यहाँ पे अपने सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंस जिसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जब हम लोगों ने इससे पास किया, तो अगर हमारी लाइट बिना रोटेट हुए सीधे निकल गई तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर हमारी लाइट यहाँ पे रोटेट हो गई तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहाँ पे भी देखो जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, अब इसके अंदर हमारे दो केस हैं। जैसे एक केस में हमारी लाइट रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज, तो अगर हमारा सॉल्यूशन जो हमारी लाइट है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हम लोग सॉल्यूशन को बोल देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोल देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, यानी अगर हमारी जो लाइट है क्लॉकवाइज हुई तो सॉल्यूशन हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर जो हमारा सॉल्यूशन है उसने लाइट को यहाँ पे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया लिवो रोटेटरी। क्या हो गया, लिवो रोटेटरी। और यहाँ पे इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। सो यहाँ पे देखो ये होता है हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे देखो ये जो पूरा फिनोमेना हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन का हमारी लाइट को रोटेट करने का जो फिनोमेना है, यानी कि जो हमारा प्रोसेस हो रही है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। तो कितना सिंपल सा है, आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, वेन अ प्लेन पोलराइज लाइट, अब प्लेन पोलराइज लाइट आप लोग समझ ही गए क्या होती है, जब हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो हमारी जो लाइट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। पासेज थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, जब हमारे एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की वजह से पास होता है, तो यहाँ पे इट रोटेट्स द लाइट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा सोल्यूशन लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट, फिर ये हमारा निकोल प्रिज्म, फिर ये हमारा सॉल्यूशन, फिर ये हमारा अगर क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज तो लिवो, और अगर बिना रोटेशन तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो नाउ इफ द कंपाउंड रोटेट्स द लाइट इन क्लॉकवाइज तो वही चीज है डेक्स्ट्रो, और रोटेट्स द एंटी क्लॉकवाइज तो लिवो, एंड इफ द लाइट पासेज अनडिविडेड देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और इन दोनों के केस में क्या है, कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें, टू आइडेंटिफाई कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो देखो सिंपल सी बात है कि इसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो देखो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, तो हमारे दो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स के डिफरेंशिएशन में भी हेल्प होता है, ठीक है। एंड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो सब्सटेंस की प्योरिटी भी यहाँ पे इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में, तो देखो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, तो डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस इन अ कंपाउंड। देखो इसको आप लोग ध्यान से समझना, जैसे मान लो हमारा कोई कंपाउंड है, जैसे NaCl है, तो NaCl हमारा एक कंपाउंड होता है, तो NaCl आपको पता है इनके बीच में क्या होता है, जैसे यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस के बीच में हमारे यहाँ पे NaCl के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कुछ कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, तभी तो ये हमारे मतलब कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी की वजह से कंपाउंड के फॉर्म में। लेकिन आप लोग को पता है कि इसी NaCl को अगर हम लोग यहाँ पे वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट किस में हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में। यानी हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि वाटर में डालने के बाद क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, या फिर कह सकते हो ब्रेक हो जाती है, इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लग रही होती है वो थोड़ा सा वीक हो जाती है। तो बस वही चीज़ है कि वाटर ने यहाँ पे क्या किया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे कम कर दिया, वीक कर दिया, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है कि हमारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो सब्सटेंस हमारा जो है किसी कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर कम कर दे रहा है, ठीक है, तो उसी सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा जितना ज़्यादा होगा, हमारे उस कंपाउंड की जो है किसी भी मतलब उस सब्सटेंस की किसी कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि वाटर में आप लोग को पता है कि NaCl पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, तो वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी अच्छा होता है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 78.4 के आसपास होता है, और इसी वजह से क्या होता है, हमारा वाटर जो है NaCl को इजिली ब्रेक कर देता है। तो बस यही होती है हमारी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
देखो वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे डिफाइन किया गया है कि मान लो कोई दो चार्जेस हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं और इनके बीच में मान लो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, जैसे दो चार्जों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है ना, तो इनके बीच में जैसे मान लो हमारा वैक्यूम है, ठीक है, जैसे मान लो हमारा जैसे NaCl को ही मान लो, तो जब ये वाटर में नहीं है, ठीक है, तो अब हमारा क्या है, ये कंपाउंड के फॉर्म में मान लो जनरली, ठीक है, और वाटर में जैसे हम लोगों ने डाला तो ये ब्रेक हो गया। तो जब हम लोग जब हमारे ये मतलब कह सकते हो कि एलॉन था, जैसे कि एलॉन एग्जिस्ट नहीं करता, मैं मान लो एलॉन था, ठीक है, तो इनके बीच में क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वाटर में डालते ही क्या हुआ, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। तो क्यों कम हो गई, क्योंकि इसके बीच में थोड़ा कह सकते हो मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, यानी कि इसके बीच में थोड़ी सी इन्होंने क्या किया, वाटर ने इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दिया। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, तो उनके बीच में जैसे वैक्यूम में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहीं अगर इन दो चार्जों को हम लोग जो है मान लो जो है किसी मीडियम में जैसे वाटर वगैरह में रखें, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, चार्जेस की जो अट्रैक्शन पावर होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो पावर कम करने की जो प्रॉपर्टी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक रिड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है, बस इसी को हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तरीका समझने के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर हम लोग क्वांटिटेटिव वे में इसको डिफाइन करना चाहें, यानी इसकी जो इक्वेशन होती है, तो वो होती है हमारे यहाँ पे इन क्वांटिटेटिव वे इट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे मान लो जो हमारा मीडियम है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हमारा जो कह सकते हो कि जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी वीक हो रही है, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हमारा वैक्यूम में वही यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी कम वीक हो रही है। मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि जैसे मान लो जो हमारा सब्सटेंस या फिर जो भी कंपाउंड है वो वैक्यूम में कितना मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, और वहीं पे जब हम लोगों ने उसको मीडियम में रखा तो यहाँ पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है हमारा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो हियर इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी हम लोग बोलते हैं, और EM हो गया हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अंडर स्टडी, और E0 हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर मतलब इसको आप लोग थोड़ा याद रख सकते हो 78.4 होता है। और देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स से ही ड्राइव होती है, ठीक है, तो इतना आप लोग को पढ़ना नहीं है, बाकी आप लोग ऐसे इसको याद कर लेना। देखो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दो मार्क्स में आते हैं, तो बस यहाँ पे दो मार्क्स के हिसाब से, बाकी अगर मान लो लॉन्ग में आता है तो दो तीन चीज़ें कंबाइन करके पूछेगा, तो इतना कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल सफिशिएंट है, आप लोग उसके लिए परेशान मत होना। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इट डिटरमाइंस पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना ज़्यादा पोलर है उसको भी डिफाइन करता है। फॉर सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स, ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे मान लो कि हमें कोई कंपाउंड डिजॉल्व करना है, जैसे NaCl हमारा वाटर में क्या होता है, जब ब्रेक होता है तभी तो अच्छे से डिजॉल्व होता है, तो हम लोग जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट लेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से वो डिजॉल्व कर पाएगा। एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट को भी डिटरमाइन करता है। देखो डायपोल मोमेंट अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग समझ जाओगे। सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डायपोल मोमेंट के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डायपोल मोमेंट के बारे में। अब देखो डायपोल मोमेंट को समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा समझना होगा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो जो हमारा HCl है, तो HCl के बीच में आप लोगों को पता है हमारा जो HOCl होता है, ठीक है, इसके बीच में हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अच्छा देखो होता क्या है, यहाँ पे जो HCl है तो इसमें जो हमारा Cl है ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, ठीक है, ये काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो Cl है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चालू कर देता है। अच्छा देखो होता क्या है, ये खींचता तो है लेकिन पूरी तरीके से ले भी नहीं पाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो Cl- HCl है, ठीक है, इसके ऊपर आ जाता है एक डेल माइनस चार्ज, और जो हमारा एच है हाइड्रोजन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसी वजह से इसके ऊपर आ जाता है हमारे यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी, ठीक है। देखो इसकी वजह से हुआ क्या, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा शिफ्ट हो गया, तो अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया, यानी ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड हो गया पोलर कंपाउंड, ठीक है, या फिर पोलर मॉलिक्यूल जो भी आप लोग बोलो।
तो देखो पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर कंपाउंड हमारे तब होते हैं जब एक हमारे जो दो एटम्स से एक हमारा जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसी डेल नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा पोलर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा देखो यहाँ पे जैसे अगर Cl2 का हम लोग एग्जांपल लें वहीं पे, तो देखो अगर हम लोग क्लोरीन तो क्लोरीन के बीच में देखें तो अब देखो अब ये दोनों हमारे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अब ये क्या करेंगे, देखो ये हमारा ये क्लोरीन हमारा इस क्लोरीन से हमारा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव, और ये क्लोरीन भी तो हमारा इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर भी आ गया डेल नेगेटिव। देखो हुआ क्या एक्चुअल में इस डेल नेगेटिव और इस डेल नेगेटिव की वजह से क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो एक हमारा चार्ज इधर खींच रहा है, ठीक है एक इधर खींच रहा है, और ये क्वांटिटी हमारी होती है वेक्टर, ठीक है तो इस वेक्टर क्वांटिटी की वजह से क्या हुआ दोनों तरफ चार्ज यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो अगर हम लोग पूछें कि Cl2 हमारा क्या है पोलर है कि नॉन पोलर है, तो भाई Cl2 हमारा हो गया नॉन पोलर, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बराबर ही है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किसी एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है तभी जो हमारा कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है वो हमारा पोलर होता है। जैसे HCl हमारा अगर हम लोग देखें तो हमारा पोलर है, तो वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे Cl2 को देखें तो ये हमारा यहाँ पे एक नॉन पोलर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो तो पोलैरिटी हो ही, इसको हम लोग को थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है पोलर और नॉन पोलर के बीच में। अब देखो डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट की बात सबसे पहली बात सिर्फ हम लोग पोलर कंपाउंड्स के बीच बारे में ही करते हैं, ठीक है जब हम लोग पोलर कंपाउंड होते हैं इन्हीं के केस में हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो देखो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, द डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन अ पोलर कंपाउंड। देखो सबसे पहली बात अगर आप लोग इसको क्वांटिटेटिव वे में देखो तो इसको यहाँ पे इस तरीके से बताया जाता है कि मान लो हमारे पास कोई दो चार्ज है, ठीक है और दोनों यहाँ पे अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, ठीक है और उनके बीच में मान लो यहाँ पे डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है तो ये होता है हमारा यहाँ पे डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन हमारा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी अगर आप लोग इस वाले कंपाउंड में देखो तो हमारा Cl- की तरफ Cl की तरफ क्या हुआ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हो गए, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट किधर है, तो नेट डायपोल मोमेंट हमारा जो है इस डायरेक्शन में होता है, यानी यहाँ पे देखो क्या होता है इट मेजर्स द नेट पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी देखो ये HCl हमारा पोलर तो है ही है लेकिन अगर इसकी नेट पोलैरिटी पूछें किस तरफ है तो नेट पोलैरिटी हमारी जो है इस तरफ है, ठीक है Cl की तरफ है क्लोरीन की तरफ, एंड इट इज डिनोटेड बाई म्यू, और इसको हम लोग यहाँ पे म्यू से डिनोट करते हैं। देखो मुझे पता है कि देखो ये बातें क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को जो भी ये पोलर नॉन पोलर बताया तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अंदर का कॉन्सेप्ट है, अब ये थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को बस ये चीज़ें तैयार कर लेनी है कि देखो डायपोल मोमेंट का कितना सिंपल है। डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई, दो चार्जेस हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच में डिस्टेंस डी है, तो डायपोल मोमेंट हमारा सिंपल इन दोनों का जो हमारा डिस्टेंस और चार्ज का जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वही होता है डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे कोई एक चार्ज लेंगे, ठीक है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम ही है। तो आप लोग बस यहाँ पे इस तरीके से डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। देखो है तो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स, लेकिन जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो समझना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही देखें तो देखो है तो ये सिर्फ इतना सा कि यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वो भी आप लोग को पता होना जरूरी है, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। बाकी अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग बस इतना तैयार कर ले, ठीक है और सिर्फ इतना तैयार कर लो, सिंपल सी बात है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ पे भाई टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, तो देखो जिनके अंदर डायपोल मोमेंट होगा भाई वो पोलर होंगे, जिनके अंदर नहीं होगा वो नॉन पोलर होंगे। टू प्रेडिक्ट द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, और देखो डिग्री ऑफ पोलैरिटी यानी कितना ज़्यादा पोलर है, तो जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट होगा। टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और देखो इसकी वजह से यहाँ पे शेप भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है यानी जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा होता है उधर हम लोग शेप थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो ये शेप भी डिटरमाइन हो जाता है इसकी वजह से। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइनली अपनी लास्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि हो जाता है हमारे यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो यहाँ पे देखो डिसोसिएशन क्या होता है भाई, आपको पता है जैसे जो हमारा वाटर होता है ये हमारा किस में डिसोसिएट होता है, जो हमारा ब्रेक होने की प्रॉपर्टी यानी आयनाइज होने की प्रॉपर्टी होती है वही तो होता है डिसोसिएशन। जैसे H2O हमारा किस में डिसोसिएट होता है, H+OH- में। HCl हमारा किस में डिसोसिएट होता है, H+OCl- में। NaOH हमारा किस में डिसोसिएट होता है, Na+OH- में। तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होता है,
डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज सब्सटेंस एबिलिटी और टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू एन, यानी एक सब्सटेंस हमारा कितना ज़्यादा डिसोसिएट हो सकता है तो उसकी जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग यहाँ पे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट से डिफाइन करते हैं। और देखो सिंपल सी बात है, ये जितना ज़्यादा होगा किसी का हमारा जो सब्सटेंस है वो उतना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, और इसी को हम लोग यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जनरली इसको हम लोग यहाँ पे के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब के डी मतलब यहाँ पे डी मतलब डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो डी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मान लो अगर एसिड के केस में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो ये के ए हो जाता है, बेस के केस में ये के बी हो जाता है, ठीक है। जिसके केस में डिफाइन करना चाहो वहाँ पे आप लोग इस डी को चेंज कर सकते हो। अच्छा मान लो हम लोग इस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो इसकी वैल्यू हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग आती है। जैसे वाटर के लिए अगर निकालना चाहो तो वाटर किस में डिसोसिएट होता है, H प्लस और OH माइनस में, तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हमारा क्या होगा। देखो इसका हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से निकलता है, यहाँ पे होता है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ऊपर हम लोग रखते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे हम लोग रखते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, तो इन दोनों का जो कंसेंट्रेशन मतलब रेशियो होता है वही होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखो अगर मान लो यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे HCl के लिए निकालनी है तो क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर H प्लस रख दोगे, नीचे फिर Cl माइनस और नीचे फिर HCl, ठीक है। और इसी तरीके से NaOH सब के लिए निकाल सकते हो, सिंपल है। अगर मान लो एसिड के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे Ka हो जाएगा, अगर बेस के लिए निकाल रहे हो तो Kb हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ एसिड्स देन इट इज नोन एज एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, यानी अगर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू एसिड के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो एसिड हो गया, ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। बेस के केस में कर रहा है तो बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारा एसिड या बेस उतना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, और आपको पता है जो एसिड या बेस जितना ज़्यादा डिसोसिएट होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे HCl आपको पता है क्या होता है, हमारा पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये हमारा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। देखो जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस होंगे उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं। वहीं अगर हम लोग CH3COOH की बात करें तो देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बहुत कम डिसोसिएट होता है, ठीक है, हार्डली ये हमारा 5% डिसोसिएट होता है, तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी बहुत कम होती है, और ये हमारे क्या होते हैं, हमारे वीक होते हैं। और अब फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। देखो सिंपल सी बात है, ये जितना ज़्यादा होगा हमारा एसिड और बेस उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होगा। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द सार ऑफ ड्रग्स। तो देखो सार यहाँ पे होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो आप लोग को मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हमारा ये हेल्प करता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारी ड्रग डेवलपमेंट और ड्रग डिस्कवरी में भी काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा कोई भी एसिड स्ट्रांग है, वीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी हम लोग मिलते हैं यहाँ पे किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।